और इसी खबर पर कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी कोमल। लगातार आप सुबह भी तस्वीरें दिखा रही थी मंडी से, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, वहां पर हिंदू संगठन ने बंद का आह्वान किया है। सब कुछ आज बंद रहेगा, दुकानें नहीं खुलेंगी, और यही एक नाराजगी का प्रतीक है। इस वक्त क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मंडी में 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक का बंद का कॉल दिया गया था, क्योंकि अब चूंकि 11 बज चुके हैं और धीरे धीरे अब यहाँ पे जो है आम जनजीवन जो है पूरी तरह से देखिए सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है। देखिए आपको सीधे दिखाएंगे तो बाजार जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 9 से लेकर के 11 बजे तक का ये कॉल था। इसके पहले देखिए कल की बात करें तो कल भारी विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पे देखने को मिला था। संजौली के बाद कुसुमती तक ये आग फैलती है, और कुसुमती के बाद देखिए मंडी में भी अवैध मस्जिद निर्माण का मामला सामने आता है, जिसके बाद विरोध दर्शन तो देखने को मिलता है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज पूरे हिमाचल में सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक का बंद का कॉल दिया गया था, और उसी का असर सुबह हमने दिखाया था कि किस तरह से जो दुकानें जो आमतौर पर सुबह 8 बजे खुल जाती थी वो 11 बजे तक बंद थी। लेकिन अब चूंकि 11 बजे का समय हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ पे जो है दुकानें हैं वो खुलने लगी है, लेकिन देखिए अब भी ये कहा जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका विरोध प्रदर्शन शायद यहाँ पे देखा जा सकता है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो थोड़ी देर में इसी चौक पे और एक बार फिर से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि मंडी की अगर हम बात करें मस्जिद को के विवाद को लेकर के, तो देखिए साफ तौर पर नगर निगम के जो आयुक्त है उन्होंने भी 30 दिन का समय दे दिया है कि अवैध मस्जिद का निर्माण होता है। इस पूरे मस्जिद के लिए अगर बात करें देखिए तो पहले ग्राउंड फ्लोर होता है, बेसमेंट में ये मस्जिद होता है, लेकिन कोरोना काल में जो हिंदू संगठन का ये दावा है कि कोरोना काल के दौरान पहला फ्लोर बना दिया जाता है, दूसरा फ्लोर बना दिया जाता है। इस पैटर्न पर गौर करें तो देखिए एक चीज और भी गौर करने वाली है कि जब संजौली की बात करें तो संजौली में भी जो लोग थे वो यही बता रहे थे कि जब कोरोना का समय था उस दौरान लॉकडाउन में धीरे धीरे अंदर ही अंदर इनका काम चालू होता है, और देखते ही देखते जो है इमारत जो है वो खड़ी कर दी जाती है। और ठीक वो सेम पैटर्न जो है वो मंडी में भी देखने को मिलता है। संजौली के बाद वही सेम पैटर्न जो हिंदू संगठन है, स्थानीय लोग हैं, वही पैटर्न बता रहे हैं। ये प्रदर्शन कैसे चल रहे हैं आप ये देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, जो स्थानीय हैं, उनका ये कहना है कि अवैध मस्जिद खड़ी कर दी गई है, फ्लोर्स बना दिए गए हैं, एनजीटी का जो आदेश था उनको धता बताते हुए ये शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर जो विरोध है वो लगातार शुरू हुआ था। उसके बाद मंडी से भी मामला सामने आया और जगहों पर भी आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन शिमला में आक्रोश थमा नहीं। आज भी देखिए प्रदर्शनों का दौर चल रहा है और मांग यही है कि जो अवैध निर्माण है उसे गिराया जाए। लोग ये भी कह रहे हैं, स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि बिना नक्शा पास हुए इस मस्जिद का निर्माण किया गया है और फ्लोर्स तो एक्स्ट्रा बनाए ही गए हैं। लोगों का ये कहना है कि सरकार इस मामले में एक्शन ले, नहीं तो प्रदर्शन और उग्र होगा, आक्रोश बढ़ता जा रहा है लोगों में। यही वजह है कि सड़कों पर उतरे, आज बंद का भी आह्वान इनकी तरफ से किया गया था। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में हिंदू हल्ला बोल कर रहे हैं। देखिए हिमाचल की अगर बात करें तो हिंदू बाहुल्य प्रदेश इसे कहा जाता था। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि अब यहाँ पर डेमोग्राफी भी बदल रही है, और सिर्फ स्थानीय लोग नहीं बल्कि जो हिमाचल सरकार में सुक्खू सरकार में मंत्री है अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने भी सदन के अंदर इस बात का जिक्र किया था, इस मस्जिद के जिक्र के साथ कि यहाँ डेमोग्राफी बदल रही है। और इसी को लेकर अब मांगे हैं कई हिंदू संगठनों की कि लोगों की को आइडेंटिफाई किया जाए जो पहुंच रहे हैं, उनका बहीखाता और तमाम चीजें, उसको लेकर यहाँ विरोध चल रहा है। ताकि हमने जो व्यापारियों ने बोला है कि आज बंद रहना चाहिए बाजार, तो हमने भी 9 बजे से लेकर 1 बजे तक बंद रखा है बाजार। उनके साथ हमारा पूरा सहयोग है, व्यापार मंडल
जो भी है, जिसने भी बंद की कॉल की है, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है हिंदू भाइयों के लिए। किस तरह का प्रदर्शन जो हमारा सिंपल है जी, कोई हमारा शांति प्रिय प्रदर्शन है। आज पूरा हिमाचल में व्यापारी व्यापार जो व्यापार मंडल है उन सब ने बंद का आह्वान किया है, तो पूरे हिमाचल जब बंद है तो उसके समर्थन में हमारा सुन्नी बाजार जो है वो भी बंद है जी। प्रशासन के विरोध है, विरोध पे है कि शिमला के अंदर जो संजौली में हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा जो आह्वान किया गया था उसमें जो आम जनता के ऊपर लाठीचार्ज किया गया उसके विरोध में आज हम सब ने व्यापारी भाई लोगों ने बाजार बंद का आह्वान किया है। तो शिमला की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां अवैध मस्जिद को लेकर आज भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हिमाचल बंद का उनकी तरफ से आह्वान किया गया है, इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, कहीं मत जाइए, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ, जल्द लौटते हैं। ये मंडी का वही मस्जिद है जिसे लेकर के लगातार यहाँ पे विवाद